चुनाव अब महज 2 या 3 या 4 हफ्ते के भीतर अनाउंस हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है, बल्कि हर राज्य में विवाद ही लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे अधिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ही तय कर रही है कि वह दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी। क्या समय आ गया है कांग्रेस के लिए? जिस पार्टी ने करीब आधे दशक तक उत्तर प्रदेश पर राज किया, वह खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी वो तय नहीं कर सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों यूपी से गुजर रही है। इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस को राज्य की 80 में से 17 लोकसभा सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन कांग्रेस बताया जा रहा है कि इससे सहमत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जिन 17 सीटों का प्रस्ताव दिया है उसमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस को आपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान कुछ सीटों को बदलना चाहती है, यानी संख्या पर दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीटें दी हैं अखिलेश यादव ने उसको लेकर कांग्रेस लीडर्स के मन में कुछ शंकाएं हैं। अपने मन मुताबिक सीटें उनको नहीं मिली हैं। इसी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान आज दिन भर चलती रही। सपा ने आज तक कांग्रेस को अपना जवाब देने के लिए कहा है, अगर कांग्रेस उसके इस प्रस्ताव पर सहमति दे देती है तभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अगर कांग्रेस ने सहमति नहीं दी तो अखिलेश राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना लेंगे। आज अमेठी में थे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव वहां भी नहीं पहुंचे, जबकि प्लान ये था कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पर अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। तो अमेठी तो नहीं पहुंचे, रायबरेली जाएंगे या नहीं वो आज रात को जो डेलीब्रेशन होंगे दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच उस पर तय होगा। तो इंडिया गठबंधन के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। यूपी की दो बड़ी पार्टियां सपा और कांग्रेस आपस में खींचतान करती दिखाई देती है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी।